गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन आर डी भट्ट। आज आपको क्लास फिफ्थ का जो चैप्टर सिक्स गेम सी प्ले जो पहले पढ़ाया जा रहा था उसी के आगे पढ़ाया जाएगा। हमने आपको गेम सी प्ले वो खेल जो हम खेलते हैं इसके बारे में आपको बताया था। एक तो घर के अंदर खेलने वाले गेम जिनको इंडोर गेम कहते हैं, एक घर के बाहर खेले जाने वाले गेम जिनको आउटडोर गेम्स बोलते हैं, एक इंडिविजुअल गेम्स होता है जो अकेले खेला जाता है, एक इधर खिलाड़ी एक उधर खिलाड़ी, इसे हम एकल गेम कहते हैं। और एक टीम गेम होता है जैसे क्रिकेट हॉकी कबड्डी टीम गेम कहलाता है। और अब हम राष्ट्रीय खेल से आगे पढ़ाना शुरू करेंगे, इसको हम नेशनल गेम कहते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग आपको जो जहाँ तक पढ़ाएंगे वहाँ तक के लिखाए गए हैं, डेली के डेली जहाँ तक पढ़ाया जाता है वहाँ तक के वर्ड मीनिंग आपको लिखवा दिया जाता है। तो इसमें ऑर्गेनाइज आयोजित किया जाना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, प्रोग्रेस उन्नति, अपोजिट टीम विपक्षी टीम, ऑप्शन विकल्प, और साउथर्न पार्ट मैंने सोचा था दक्षिणी भाग या दक्षिणी दक्षिण के लोग। नेशनल टीम्स, मेनी स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर ऑर्गेनाइज एट इंटरनेशनल लेवल। बहुत से ऐसे खेल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप इज वन सच चैंपियनशिप ऑफ मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये संस्था क्रिकेट का आयोजन करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो पुरुषों का क्रिकेट का यह एक चैंपियनशिप है जिसमें विजेता टीम को ट्रॉफी दिया जाता है। मेनी नेशनल टीम पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट विच इज हेल्ड एवरी फोर ईयर। कई राष्ट्रीय देश कोई भी राष्ट्रीय यह खेल कभी भी ये क्रिकेट राष्ट्रीय खेल इंग्लैंड का है, लेकिन कोई भी राष्ट्र इसमें जो आईसीसी क्वालिफाई किया है वह इसमें भाग ले सकता है। यह हर चार वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर नेशनल लेवल प्लेयर। खिलाड़ी जो इसमें भाग लेते हैं वह कम से कम राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय में खेलते हैं। इंडिया हैज शोन, इंडिया ने ये दिखा दिया है, भारत ने ये दिखा दिया है, रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ गेम्स। एक अपनी उन्नति की एक निश्चित पहचान भारत ने खेलों के मामले में दिखा चुका है। वी नॉट ओनली हैव मेन्स टीम बट वोमेन्स टीम हैज फेल। हमारे पास केवल पुरुषों की ही टीम नहीं है, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे हॉकी का हो, इसमें हमारे वुमेन्स का भी है, यानी कि लेडीज गेम भी है। गेम्स प्लेड इन लोकल एरियाज, ऐसे खेल जो हमारे लोकल एरिया में स्थानीय स्तर पे खेले जाते हैं। सबसे जो हमारा प्राचीन जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है भारत में, कबड्डी। कबड्डी इज अ पॉपुलर गेम इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। कबड्डी एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है भारत का जो पूरे सभी राज्यों में खेला जाता है। इट इज नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हर भाग में देश के अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। इट इज कॉल्ड हुतुतू इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के दक्षिणी भाग में यानी केरल कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, ये हमारे चार राज्य दक्षिणी भाग कहलाते हैं, इनमें हम हुतुतू के नाम से इसको जानते हैं। एंड हदुदू मेंस के गेम को कहते हैं जिसको पुरुष खेलते हैं, एंड चलोकुडू वुमेन्स को कहा जाता है। कबड्डी नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में, जिसमें मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार ये सब राज्य शामिल हैं, यहाँ पर कबड्डी बोला जाता है। कबड्डी इज ए टीम स्पोर्ट। ये क्या है कि यह कई लोगों कई खिलाड़ियों के समूह के द्वारा खेला जाता है। ये इट नीड्स ए हाई डिग्री ऑफ स्किल एंड पावर टू होल्ड वंस ब्रीथ
वाइल्ड रनिंग। इसमें अपने सांस को रोक, दौड़ते हुए अपने सांस को रोके रखना, इस चीज की सबसे बड़ी कुशल शक्ति होनी चाहिए। इन कबड्डी देयर आर टू टीम्स, इस खेल में दो अलग अलग खिलाड़ियों के समूह होते हैं। इस टीम कॉन्सिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स, कबड्डी के हर टीम में 12 सदस्य होते हैं। ऑफिस 7 आर ऑन द कोर्ट एट ए टाइम एंड 5 इन रिजर्व, 7 लोग खेलते हैं एक तरफ से, जबकि 5 सुरक्षित बैठे रहते हैं, उन्हें नहीं खिलाया जाता, वो कोर्ट में बैठे रहते हैं। एट ए टाइम एंड 5 इन रिजर्व, द टू टीम्स ट्राई हार्ड टू गेट हायर स्कोर बाय कैप्चरिंग मोर प्लेयर्स, अधिक से अधिक खिलाड़ियों को पकड़ने के लिए, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए दोनों टीमें कोशिश करती हैं। द गेम इज प्लेड फॉर 20 मिनट्स फॉलोड बाई ए गैप ऑफ 5 मिनट एंड अगेन फॉर 20 मिनट, पहले 20 मिनट खेला जाता है, फिर बीच में 5 मिनट का समय दिया जाता है, उनको गैप दिया जाता है, फिर अगला 20 मिनट खेला जाता है। अगला गेम खो खो, खो खो इज ए काइंड ऑफ रन चेस गेम। खो खो क्या है, एक तरह से दौड़ो और पीछा करो का गेम है ये। टू टीम्स अबाउट 12 प्लेयर्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर, 12 सदस्यों की खिलाड़ी दो टीमों में खेलते हैं। द प्लेयर्स ट्राई टू अवॉइड बीइंग टच्ड बाय मेंबर्स ऑफ अपोजिट टीम, दूसरे टीम के सदस्यों से ये टीम वाले छूने से बचना, बचने की कोशिश करते हैं। द गेम रिक्वायर्स फिजिकल फिटनेस, इस खेल के लिए शारीरिक स्वस्थता की जरूरत होती है, स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, आपके ताकत की, स्पीड की जरूरत होती है, यानी कि आपके जो गति है पेच चलने की, उसकी भी जरूरत होती है। वन टीम सिट्स नील डाउन इन ए रो विथ प्लेयर्स अल्टरनेटली फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, अपने घुटनों के बल पर एक टीम बैठ जाती है एक लाइन में और प्लेयर्स अल्टरनेटली फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, और जो दूसरे दिशा से, दूसरे दिशा में लोग होते हैं जो दूसरे टीम के होते हैं। बाई सेंडिंग वन चेसर एट ए टाइम, एक के बाद एक उसको, जिसको वो छूता है वो आगे बढ़ करके दूसरे को चेस करता है, पीछा करता है। द चेसर हैज टू रन इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट कट अक्रॉस द सिटिंग प्लेयर्स वेयर इज द प्लेयर्स ऑन अपोनेंट टीम एंड देन रैंडमली, तो जो लाइन से लोग बैठे होते हैं खिलाड़ी, भागने वाला जो खिलाड़ी होता है वो बीच में से क्रॉस नहीं कर सकता, बीच में से क्रॉस करके उस पार नहीं जा सकता, उसको पूरा राउंड करके ही आना होता है, और जो उसको चेस करने वाला, पीछा करने वाला खिलाड़ी होता है वो किसी भी खिलाड़ी को टच करके उसको पीछे लगा सकता है। रेसलिंग या जिसको हम कुश्ती भी बोलते हैं, रेसलिंग और कुश्ती इज ए ट्रेडिशनल गेम स्टिल वेरी पॉपुलर इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये अभी बहुत लोकप्रिय खेल है, जो पारंपरिक खेल है हमारा, जो भारत के कई भागों में बहुत ही लोकप्रिय है। रेसलिंग मैच इज प्लेड ऑन ए क्ले ग्राउंड मड पिट, इसको एक मिट्टी के ग्राउंड पर ही खेला जाता है, मिट्टी के मैदान पर ही खेला जाता है गेम। इन दिस गेम टू रेसलर्स कम्पीट विथ ईच अदर एंड अटेम्प्ट टू नो अदर ऑन द फ्लोर, और इसमें दो जो इसमें खेलते हैं एक दूसरे को धरातल पर यानी पृथ्वी पर गिरा देने की ही कोशिश होती है। मोस्ट रेसलर्स बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग बॉडी, बहुत से कुश्ती खेलने वाले एक मजबूत अपना शरीर तैयार करते हैं बाई एक्सरसाइजिंग एंड फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट डाइट, भोजन में अपना उचित आहार लेकर के अपने शरीर को वो बनाए रखते हैं। दे आर ट्रेंड बाई स्टेट्स आर एक्सपर्ट इन स्पेशल कोर्ट नोन एज अखाड़ाज, और ये अलग अलग अखाड़ों से संबंधित होते हैं जहाँ पे उनकी कोचिंग की जाती है, उनको उनके गुण सिखाए जाते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में आपको यहीं तक का वीडियो रहेगा, आगे आपको
और जो गेम्स के बारे में बताएंगे कि मार्शल आर्ट के बारे में आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू।